मर्यादा के हिसाब से, और एक हमारी मीटिंग की तहजीब भी है कि समय के ऊपर चालू होती है और समय के ऊपर खत्म होती है। तो पहली बार कितने लोग आए? कुछ मेरी सड़ी हुई जो आप लोग ने नहीं सुनी होती। साढ़े छह हो गए, 7:45 को मीटिंग पूरी करेंगे, ठीक है? ज्यादा करके मैं ही बोलूंगा क्योंकि घर में मेरी बीवी मुझे बोलने नहीं देती। ये पुरानी सड़ी हुई जो थोड़े देर में टमाटर अंडे शुरू होने वाले हैं। अभी आप सब चीज तो जानते ही हो, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाता हूँ। जन लोकपाल बिल में हमने बहुत चीज मांगी थी, सरकार ने उसके अगेंस्ट एक ऐसा बिल कर दिया जो कचरे के डब्बे में फेंकने लायक था या जलाने के लायक था। अन्ना जी को वापस अपनी जान दांव पे लगानी पड़ी, ये सब आप जानते हो। फिर 10 दिन तक तो कोई वाटाघाटा नहीं हुई, 9 दिन तक अन्ना जी अनशन पे बैठे रहे, सडनली इनको जागृति आ गई। और जिस प्रकार से देश खड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं मैंने तो 64 साल में सोचा भी नहीं। हर हर जगह पे शुरू हुआ, मुंबई तो छोड़ दीजिए, एक एक छोटे छोटे गांव में लोग आ गए थे। मुंबई में तो एक दिन मुझे लग रहा है 150 से 200 रैली हुई, और जो बांद्रा से जू हो गया तो ऐतिहासिक हो गया। पेपर वाले ने 1 लाख बोला, 2.5 लाख कम से कम थे। बिना पॉलिटिकल पार्टी के, बिना रुपया दिए, सब अपनी जेब से रुपया डालते हैं, 2.5 लाख लोग आना, ये मुंबई में इतिहास हो गया। अहिंसा, ये मूवमेंट त्याग, बलिदान, अहिंसा और सेवा की मूवमेंट है। इस चीज को हम समझ ही लेना चाहिए। अब ये तो बहुत लोग लिख चुके हैं तो इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार लोगों ने आए, ये सब आप लोग जानते हो। इसकी कहानी अभी बहुत सुनने में आई है कि पूरे विश्व में नहीं हुआ ऐसा मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। लेकिन 9वें दिन पे प्रणब मुखर्जी के साथ जब डिस्कशन शुरू हुआ तो उन्होंने सब चीज कहा कि ये सब चीज तो हमें मान्य होगी, लेकिन 3 मुद्दे जो थे वो हमें मान्य नहीं है। एक मुद्दा है कि सिर्फ लोकपाल ही बनेगा सेंटर में, और राज्य में जो लोक आयुक्त बनेंगे वो नहीं बनेंगे। तो आप जानते हो कि हमारे जितना भ्रष्टाचार है वो सब राज्य के लोगों के साथ है। कोई भी भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी में जो चल रहा है ये सेंटर वाले के साथ, इनकम टैक्स छोड़ के कोई भी नहीं है। अगर आप निकाल दोगे राज्य स्तर के सारे कर्मचारी को तो हमारे जीवन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो नगर पालिका में, जो म्युनिसिपैलिटी में, जो पंचायत में, जो नरेगा में, जो पानी बिजली राशन एडमिशन जो बताओ, ये सारे हमको राज्य स्तर से ही हो गया, तो लोक आयुक्त तो होना ही चाहिए। दूसरा उन्होंने मुद्दा ये रखा कि सेंटर में भी जो होंगे वो सिर्फ ए कैटेगरी के स्टाफ होंगे, नीचे के कैटेगरी का कोई स्टाफ नहीं होगा। तो कोई भी किस्सा ले लो, कॉमनवेल्थ के ले लो, 2G ले लो, उसमें सारे होते हैं। ऊपर पैसे भी कहां से जाते हैं? नीचे से ही जाते हैं। तो अब नीचे वाले को बाका तरफ तो एक भी भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा जा सकता। और तीसरा जो सबसे मुद्दे वाला इश्यू है जो हमारे जीवन को बदलेगा वो है सिटीजन चार्टर। 2 मिनट में मैं समझा देता हूं। हमने ये कहा था सिटीजन चार्टर में, जन लोकपाल में, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पुस्तक होगी नागरिक हक की, कि गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट में आपको क्या सेवा मिलेगी, कैसी सेवा मिलेगी, कितने दिन में सेवा मिलेगी, और सेवा अगर नहीं मिले तो क्या उसके ऊपर सजा होगी। मोटा मोटा मैं बताऊं, अगर कौन से भ्रष्टाचार की बात करें, BMC पानी बिजली राशन की बात करें, चलिए राशन की बात करते हैं। राशन के डिपार्टमेंट में या सिटीजन चार्टर में लिखा होगा कि आप राशन का एप्लीकेशन करेंगे तो आपको 7 दिन में मिलना चाहिए।
वो अफसर ने अगर आपको 7 दिन में राशन कार्ड नहीं दिया तो ऑटोमेटिक राशन डिपार्टमेंट का जो चीफ है उसके पास कंप्लेंट जाएगी और उसको 7 दिन का समय दिया जाएगा राशन कार्ड देने का। 14 दिन हो गए आपको राशन कार्ड नहीं मिला, उसका मतलब यह समझा जाएगा कि यहां पे भ्रष्टाचार है और दोनों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी और दोनों जन आपको रोज का 250 रुपया देगा। तो आप सोचिए सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ऐसी सिटीजन चार्टर आ जाए तो सारे डिपार्टमेंट ठीक चलने लगेंगे नहीं लगेंगे? सरकार ने कहा सिटीजन चार्टर भी हम नहीं देंगे। फिर नंदा जी ने कहा कि तब अनशन टूटेगा जब आप तीनों चीज के ऊपर पूरा पार्लियामेंट अग्री करें। फिर आपने देखा उसके पहले हमारे युवराज जी आके क्या क्या बोल के गए एक दिन। ठीक है, हमको किसी के विरुद्ध कुछ नहीं है, पर जिस प्रकार की बात उसने एक दिन और अन्ना जी को अनशन कराया ये चीज चोट तो लगी है। 10 दिन हो गए वो आदमी अनशन पे बैठा है, तुमने आके पार्लियामेंट में तोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशनल, ये करना चाहिए वो करना। मैंने टीवी के ऊपर बोला कि आग लगी है पानी डालने के बदले में वो डैम बनाने का मैप लेके आया, हम 10 साल में ऐसा डैम बनाएंगे। फिर दूसरे दिन जो हुआ 12वें दिन के ऊपर वो ठीक हुआ, सुषमा जी ने भी ठीक कहा, संदीप दीक्षित ने ठीक कहा और जो हमारी 3 मांगे थी उनको बेंच बजा के पास हो गया। लेकिन ये मत समझिए कि कुछ भी हुआ है अपने को, एक मॉरल विक्ट्री और कुछ नहीं है, असल युद्ध तो अब शुरू होगा। ठीक है, ये बात गई है स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी का तो आप खिलाड़ी सब जानते हो, मनीष तिवारी है, अमर सिंह है, पूरा लिस्ट है मेरे पास, लालू यादव है, दिग्विजय सिंह है। और स्टैंडिंग कमेटी अगर ये अग्री कर लेगा तो सब अपने अपने वारंट पे सही करेंगे। अब जो लड़ाई है वो और कठिन हो रही है। अच्छा बताओ, याद रखिए अक्टूबर तक ये सबकी बजानी है। अभिषेक मनु सिंघवी है कांग्रेस से, परिमल लतवानी है जम्मू कश्मीर से, शांताराम नायक है गोवा से, रामविलास पासवान, श्री अमर सिंह, राम जेठमलानी, बलवंत बाल आपते महाराष्ट्र के, टारगेट करिए उनका फोटो लगाइए और ऐसा सर्कल करिए, महाराष्ट्र हम लोग संभालेंगे। लेपचा है सिक्किम से, चंद्रेश कुमारी राजस्थान, ललू प्रसाद बिहार, चंद्रा गौड़े कर्नाटका, शैलेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश, किरोड़ी लाल मीना राजस्थान। हरीन पाठक गुजरात, एनएसवी चित्तन तमिलनाडु, दीपा दास मुंती वेस्ट बंगाल, ज्योति दुर्वे मध्य प्रदेश, मुनाजिर हुसैन बिहार, देवजी पटेल राजस्थान, सेमलाई तमिलनाडु, विजय बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश, प्रभा किशोर गुजरात, श्री मनीष तिवारी पंजाब, अमरल सेलवन तमिलनाडु, थॉमस केरला, कुमारी नटराजन मध्य प्रदेश, अभी 26 हुए हैं और 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे तो 31 लोगों की स्टैंडिंग कमेटी है। सब पार्टी पार्टी के लोग हैं, ये मिनी पार्लियामेंट होती है स्टैंडिंग कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी जो करेगी उसके बाद ये पार्लियामेंट में आएगा। अगर ये कच्चा बिल आता है तो पार्लियामेंट कच्चा बिल नहीं जाने देगा,
तो अपना टारगेट कौन है? 10 मिलियन कम्युनिटी। डेढ़ महीने में इनकी बजानी है पूरी, ठीक है। देश के मालिक कौन है? वो कौन है? अगर जरा सा भी गलत कदम उठाया तो उनकी बजाएंगे। तैयार है सब लोग? स्टैंडिंग कमेटी सब कुछ तय नहीं करती, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले तो सोनिया गांधी कहेगी वही करेंगे, बीजेपी वाले लाल कृष्ण अडवाणी कहेंगे वही करेंगे, आरजेडी वाले लल्लू कहेंगे, मुलायम कहेंगे, मायावती कहेंगे, तो इनका भी नंबर आना चाहिए या आना चाहिए? हमने 40 लोगों की एक टीम बनाई है, उनकी टीम, हमारी नहीं, हमारी तो 40,000 की है, 40 लाख की है। इनको एक 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 करके हमें टारगेट करना है। सबसे पहले तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम लोग जनमत गणना करेंगे, रेफरेंडम करेंगे। सवाल यह होगा कि अगर आपका एमपी जन लोक पन्ना जी के जन लोकपाल बिल को समर्थन नहीं करता है तो आप आगे के चुनाव में उनको वोट देंगे कि नहीं? ये दो ही भाषा समझते हैं, नोट और वोट। हम नोट को तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन वोट को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग रेफरेंडम शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताता हूँ कहाँ है, लेकिन हमें किसी को जाना पड़ेगा वहां पे। वहां के लोग तो अपने है ही कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ से 8 दिन के लिए टीम को जाना पड़ेगा। पहले खाने का बंदोबस्त हम कर लेंगे, लेकिन वहां जाके रेफरेंडम लेना है 1 लाख से ज्यादा लोगों तक। 25 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में हमको पूरा मतगणना करनी है। कितने लोग तैयार है उसके? सारे लोग जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। बहुत हिंदी तो बन चुकी है भैया। आप अपना नाम प्लीज लिखवा दीजिए, अपना नाम लिखवा दीजिए। हम कार्यक्रम करते हैं, सारा मटेरियल तैयार करते हैं, वहां पे कहीं रहने का बंदोबस्त कर लेंगे। यहां से हमारे 50 से 100 जन की टीम जाएगी और वहां पे सारे चौराहे पे खड़े रह जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, और लोगों का वोट लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर गुजरात की टीम में कमी पड़ी तो कोई गुजरात भी जाएगा? कहीं भी जाएंगे, बंदोबस्त हम कर लेंगे। आपको खाली आना है, अपने दिन कुछ देने हैं। वो मुझे निकालना पड़ेगा, वो निकाल नहीं पाया। अगर प्रफुल्ल भाई है तो उनको शायद पता होगा। ओके, मैं बता दूंगा मीटिंग पूरी होने के पहले कि हमारे मिस्टर बाल अपटे कहां पर है और यहां शरद पवार कहां है, उनका भी घर निकालेंगे। हर नेशनल पार्टी के लीडर के पास जाएंगे। यूपी में भी जाएंगे? यूपी वाले बहुत जोरदार तैयार है, आप उनकी फिक्र मत करिए। पूरा देश तैयार है, आप ये मत सोचो मुंबई तैयार है, सब तैयार है। अब ये 1.5 महीना अपने लिए बहुत जरूरी है और लास्ट दिन के ऊपर एक जनसंसद बुलाएंगे दिल्ली में, एक जनसंसद बुलाएंगे मुंबई में और सारे स्टैंडिंग कमेटी मेंबर को यहां बुलाएंगे। कोई आएगा नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी रख के, उनका फोटो रख के उनको हार पहनाएंगे। याद रखिए, इस मूवमेंट में हमने कभी नेगेटिव बात करी नहीं है। हमेशा मैं कहता था कि 3 जो मेन आदमी जिसने इस मूवमेंट को बढ़ाया उसके लिए ताली बजाएंगे। आप ताली बजा